जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज सी सेट के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट UPPCS या फिर अन्य स्टेट PCS एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सी सेट उनके लिए एक गंभीर समस्या बना रहता है और लगातार उनके मन में डर रहता है कि सी सेट कहाँ से क्लियर होगा। तो आपके इसी डर को समाप्त करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आया है सी सेट प्रिपरेशन, जिसके माध्यम से आप सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, अंतर वैयक्तिक क्षमता जिसे कि इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं, इसके अतिरिक्त मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका डिस्कशन करेंगे और एकदम विस्तार से टू द पॉइंट टॉपिक वाइज चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सिलेबस में होने क्या वाला है। देखिए, सामान्य हिंदी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेज नंबर 1 से 180 तक सामान्य हिंदी है। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी 181 से 335 तक आप अंग्रेजी के बारे में देखेंगे। इंटरपर्सनल स्किल 336 से 361 तक इंटरपर्सनल स्किल के बारे में है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए गए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स और इंग्लिश के हैं स्पेशल, ये 362 से 518 तक, मतलब पूरी कंप्लीट सी सेट आप बिल्कुल फ्री में आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी रही टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के बारे में और सी सेट हम लोग कैसे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपने पहली क्लास को। देखिए, यहाँ पर दिया है सामान्य हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया लिपि की परिभाषा। लिपि किसे कहते हैं? लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है, SCRIPT, है ना, ये इसका नाम याद रखिएगा, स्क्रिप्ट, है ना। अब देखिए, यहाँ पर दिया ध्वनियाँ जो वाणी से निकलती है आकाश में समा जाती है क्योंकि उनका स्थायित्व नहीं होता है। जिस किसी को हम अपने विचार समझाना चाहते हैं, यदि वे हमसे इतना निकट रहते हैं कि हमारी वाणी से निकली हुई ध्वनियों को सहजता से सुन लेते हैं, तो वे हमारे विचारों को समझ लेते हैं। किंतु यदि वे इतनी दूर हैं कि हमारी ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं, तो हम उन ध्वनियों को लिखित रूप में संप्रेषित कर देते हैं। इस तरह से अपने विचार विनिमय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा दूरस्थ लोगों को लाभान्वित करने के लिए इन ध्वनियों के लिए कुछ विशेष चिन्ह बना दिए गए। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य हजारों और लाखों मील दूर रहने वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस रूप में वर्ड लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए, लिपि की बात करेंगे तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने क बोला, है ना, क बोला तो एक स्पेशल सिंबल ही है तो जो क को इंडिकेट कर रहा है, ऐसे समझिए जैसे आपने अंग्रेजी में ए बोला, आपने यस चिन्ह बना दिया इसको ए कहेंगे। हिंदी में अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आप इसको ए कहेंगे। लिपि के अनुसार चिन्ह बदलते हैं, जैसे अंग्रेजी की लिपि अलग है तो इसमें ए को इस प्रकार से चिन्हित किया गया, हिंदी की लिपि अलग है तो इसमें ए को इस प्रकार से चिन्हित किया गया। और आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्वनि भाषा का मूल आधार है। सामान्य जीवन में मनुष्य जब भाषा का प्रयोग कर रहा होता है तब वह बोलते या सुनते समय इन ध्वनियों को अलग अलग करके या खंडित करके ग्रहण नहीं करता। भाषिक व्यवहार के क्रम में ध्वनियाँ समन्वित रूप से प्रत्यक्ष होती हैं और सार्थक शब्दों वाक्यों का निर्माण करती हैं, किंतु भाषा के प्रत्येक ध्वनि का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। यहाँ पे ध्वनियों के अस्तित्व को समझाया गया। देखिए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कलम की बात किया गया। इससे पहले देखिए कुछ चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। अगर हिंदी के लिपि की बात करेंगे कि हिंदी की लिपि क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए हिंदी की लिपि है देवनागरी, है ना। आपने छोटे क्लास में जरूर पढ़ा होगा या फिर आपने कभी ना कभी इसे देखा होगा। अंग्रेजी के लिपि की बात करेंगे तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन लिपि, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। पंजाबी की लिपि की बात करेंगे, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, है ना, गुरुमुखी। इसके बाद अगर दक्षिण भाषा के लिपि की बात करेंगे, जो जितनी भी साउथ इंडियन भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालमी, इनकी लिपि होती है ब्राह्मी, है ना।
और ब्राह्मी को सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है। तो इन सब बिंदुओं को भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया कि जैसे अलग अलग अस्तित्व कैसे होता है। देखिए कलम, अगर कलम लिखना है तो इसमें क आएगा पहले, हलंत है गलती से वो हो गया, फिर क के बाद अ आएगा, ल आएगा, अ आएगा, म आएगा, अ आएगा, ये सब ध्वनियाँ बनी है। देखिए अगर कलम लिखा गया तो सच में आप एक बार में बोल रहे हैं कलम, लेकिन ये सच में कैसे रहा होगा? देखिए पहले क रहा होगा, ये शुद्ध व्यंजन, इसमें स्वर मिला होगा तो क बना होगा, इसके बाद ल रहा होगा, ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें फिर अ मिलेगा तो ये ल बन जाएगा, और इसी तरीके से म को लिखा जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। जैसे देखिए जहाज लिखा गया, इसमें पहले ज आएगा, फिर इसको पूरा करने के लिए अ आएगा, फिर ह आएगा, आ आएगा, जहाज हो जाएगा। राम में देखिए पहले राम इस प्रकार से लिखा गया होगा, सीता इस प्रकार से लिखा गया। तो ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी शब्द को बोलते हैं तो आपने सहजता से वो शब्द ग्रहण कर लिया, लेकिन उसमें कितने अक्षर या कितने वर्ड का प्रयोग हुआ है ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वर्ड और अक्षर में अंतर क्या है, वर्ड और अक्षर, तो देखिए वर्ड की बात करेंगे, वर्ड क्या होता है, जैसे आपने लिखा क है ना, जैसे आपने लिखा क, तो ये क क्या है, क एक अक्षर है ना, क को लिखने के लिए आप क और प्लस ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। अब आगे देखिए यहाँ पे दिया देवनागरी लिपि है ना, इसकी बात हम लोगों ने पीछे की हिंदी की लिपि है। भिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न भिन्न हुआ करती है, कभी कभार एक ही देश में अनेक भाषा और अनेक लिपियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। हिंदुस्तान एक विशाल देश है जिसमें बंगला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि अनेक भाषाएँ लिखी एवं बोली जाती हैं, इनमें हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा। अच्छा देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। यहाँ पे लिखा गया कागजी राष्ट्रभाषा, मतलब माना जाता है सच में नहीं है, और इसकी लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। अर्थात हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी है। अब यहाँ पे अन्य भाषाओं के लिपि के बारे में भी पीछे बताया गया, तो उसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। आगे दिया मात्रा प्रयोग, व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के निमित्त उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं, और उस समय स्वर के बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। बारह खड़ी के साधारण नियमों के अलावा मात्रा संयोग की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे देखिए उ और उ की मात्राएं र में मिलने पर उनका आकार कुछ निराला हो जाता है। देखिए यहाँ पर उ जब र में छोटा उ जोड़ेंगे तो रू इस प्रकार लिखेंगे, और र में बड़ा उ जोड़ेंगे तो रू इस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, द और ह में रे की मात्रा लगने पर उनके, देखिए यहाँ पे द को द्री ऐसे लिखा गया, जैसे आप दृश्य देखिए है ना, जैसे हृदय हृदय देखिए, ये इस प्रकार की चीजें हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है ना, प्रत्येक स्वर की मात्रा इस प्रकार है। देखिए हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और अगर अयोग वाह को शामिल करते हुए स्वर देखा जाएगा, अयोग वाह को भी आपने इसमें शामिल कर दिया तो अयोग वाह दो होते हैं, तो यहाँ पे कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी 13, क्योंकि दो अयोग वाह भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर मात्रा की बात किया गया, देखिए अ की बात करेंगे तो अ मात्रा विहीन होता है, अ के पास कोई मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा ऐसी होती है, ये एक खड़ी पाई, छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है ना, बड़ी ई आपने ऐसे देखा होगा, छोटा उ होता है, ये है बड़ा उ है ना, फिर यहाँ पर ये री की मात्रा है, ए हो गया, ये ए की मात्रा, फिर यहाँ पर ओ की मात्रा और औ की मात्रा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, आप इसमें देख सकते हो। और ये जो बीच में ये आपको सर्कल सर्कल दिख रहा है ऐसे बोला बोले, पता है ये वो उन अक्षरों को लिखने के लिए छोड़ा गया, जैसे मान के चलिए आप लिखेंगे की है ना, तो यहाँ पे क लिखेंगे तो ये ई की मात्रा इस पर लग जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट, अगर आगे बढ़ेंगे व्यंजन के लेख भेद। अब यहाँ पे व्यंजन के भेद की बात करेंगे, व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और खड़ी पाई के बिना। देखिए व्यंजन को अगर लिखना है तो दो तरीके से आप लिखेंगे, एक ऐसा व्यंजन रहेगा जो खड़ी पाई के साथ आएगा और दूसरा होगा जो खड़ी पाई के बिना आएगा। जैसे देखिए ड अंग छ ट ड ढ द र, अब इसमें कहीं भी तो खड़ी पाई नहीं है, जैसे आपने देखिए कहाँ पर इसमें ड आपने बनाया, कहाँ पर खड़ी पाई है, आप ख बना के देखो, जैसे आप ख बनाएंगे तो यहाँ पर एक खड़ी पाई यार लास्ट में आ रहा है, तो यही बता रहे हैं कि बिना खड़ी पाई के व्यंजन है, और इन्हें छोड़कर शेष व्यंजन खड़ी पाई सहित लिखे जाते हैं। हिंदी के सभी वर्गों के सिरों पर एक आड़ी रेखा होती है, जैसे झ ध म में सिरों के बीच कुछ जोड़ की जाती है ना, किसी शब्द में र के पीछे कोई व्यंजन रहने से र व्यंजन के ऊपर रेप होकर रूप धारण कर लेता है, जैसे कर्म धर्म मर्म है ना, ये दिखाया जा रहा है कि र जब ऐसे बनता है तो इसको रेप र कहा जाता है ना, रेप है ना। व्यंजन से संयुक्त रकार वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे देखिए रकार, अब देखिए जब जैसे अगर र ऐसे होता है तो इसको रकार कहते हैं, देखिए ये वाले र को रेफ कहेंगे है ना, इस र को रकार कहेंगे, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है याद रखिएगा। फिर आगे दिया है
हकार से मिलने वाले व्यंजन कभी कभी मूल से उसके पूर्व लिख दिए जाते हैं, जैसे आवान है ना, आलाद, चिन्ह, ब्रह्म, ब्राह्मण इत्यादि। अब आगे दिया है ब और र तथा य और ज के लिखने और उच्चारण करने में उनके शुद्ध रूप का पर ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में प्रायः लोग लापरवाही करते हैं, ब की वजह से व और व की जगह पर ब और य की जगह पर ज लिखते और बोलते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि ब र य ज है ना, इन सबको लिखने और बोलने में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे दिया है वर्ण, वर्ण का मतलब है अक्षर। अभी मैंने पीछे इसके बारे में थोड़ी सी बात की। देखिए यहाँ पर दिया वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनाशवान, मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। किसी वह किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण है, मतलब हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी के जो 52 वर्ण है कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर स्वर व्यंजन दिया है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा साइड में समझा दे रहा हूँ। देखिए हिंदी की जो वर्णमाला है ना, अगर हिंदी के वर्णमाला की बात करेंगे तो इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस क्लासिफिकेशन को आप चाहे तो बना सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। एक पहले रखा गया स्वर और दूसरा रखा गया व्यंजन, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इसमें देखिए स्वर की बात करेंगे तो स्वर को भी आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक होता है मतलब ऐसे समझिएगा शुद्ध स्वर, है ना, शुद्ध स्वर कहने का मतलब ये खाली अपने तरीके से लिखा जा रहा है समझने के लिए। और एक होता है अयोगवाह, है ना, अयोगवाह को भी स्वर में ही माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये 13 होता है, 13 में 11+2 ये याद रखिएगा, मतलब 11 शुद्ध स्वर है और 2 अयोगवाह है। यहाँ पे देखिए अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, आप 11 देख सकते हैं, ये शुद्ध स्वर है। बाकी अंग अह जो होता है ना, इसको अयोगवाह में माना जाता है। अब इसी तरीके से व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन को आप ऐसे बांट सकते हैं, 25+4+4+4+2, ये टोटल 39 व्यंजन होते हैं। अभी 25+4+4+4+2 का मतलब क्या है, ये 25 है ना, इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होता है ये क से लेकर के म तक होता है। क ख ग घ अंग च छ झ झ ञ, आप ऐसे म तक पढ़ेंगे तो 25 आएगा। इसके बाद ये जो 4 है इसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर जो 4 है इसको कहेंगे संयुक्त मतलब उष्म व्यंजन, स ख स और ह, है ना। फिर जो 4 बचा है इसको संयुक्त कहेंगे, जैसे छ त्र ज्ञ और आएगा स्र, ये संयुक्त है। और इसके बाद लास्ट में 2 बचा है द्विगुण, या इसको ताड़न जात भी कहते हैं, जैसे ड और ढ। तो ये इस तरीके से आप 52 का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 11 और 2 ये 13 स्वर में है, 39 व्यंजन में है। आप ये जो क्लासिफिकेशन, इससे पता चलता रहेगा कि 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ है, 4 उसमें है, 4 संयुक्त है, और इसके बाद 2 बचा है अयोग ताड़न जात, या फिर इसको द्विगुण भी नाम दिया जाता है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन दिया है तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में विस्तार से करेंगे दोस्तों। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग वर्ड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।